हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज बनाते हैं बैंगन का भरता, वो भी एक हरी चटनी के साथ, जो है स्पेशल इंग्रेडिएंट मेरी रेसिपी का। इसे खाने के बाद आप सच में कहेंगे कि वाओ। तो चलिए फ्लेम को करते हैं ऑन और हम रख देंगे अपना बैंगन आग पर और इसको हम घुमा घुमा कर सारी तरफ से हम जो है भुनेंगे। ये गैस पे बहुत इजीली भून जाता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको थोड़ा थोड़ा जो है दो दो मिनट में इसको जो है पलटते रहना है, क्योंकि हमको सारी तरफ से इसको भुनना है अच्छे तरीके से। गैस देखिए किस तरह से जो है फट-फट के इसके अंदर से निकल रही है, बस कुछ इसी तरह से पका लेना है। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। मेरे दो बड़े बड़े बैंगन थे जो मैंने भून लिए हैं, अब हम इनको रख देंगे ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर के बाद जो है ये ठंडे हो जाएंगे और फिर हम इनकी स्किन पील कर लेंगे, और स्किन पील करने के बाद हम इन्हें जो भी है अच्छे से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। बहुत अच्छी और खुशबू आती है इसके अंदर से, स्मोकी खुशबू आती है। इधर हमने जो है एक टमाटर, एक बड़ा प्याज और कुछ लहसुन काट लिए हैं। तो यहाँ पे हम मारेंगे तड़का, तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा, क्योंकि तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज और हरी मिर्च और उसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से जो है भुनेंगे, ब्राउन होने देंगे। और जैसे ही हमारे ये प्याज हमारे ब्राउन होंगे वैसे ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो प्याज ब्राउन होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लग सकता है, तो हम इसे आराम से ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। हिलाते ज़रूर रहिए चम्मच से, क्योंकि इस अगर आप हिलाएंगे नहीं तो साइड साइड से जो है प्याज जो है वो जल जाएगी। अगर आप हिलाते रहेंगे चलाते रहेंगे तो प्याज सारी तरफ से भून जाएगी। तो हमारी प्याज भून गई है, तो हम डाल देंगे इसमें टमाटर। टमाटर भी हमको यहाँ पे नरम करने हैं, इनको नरम करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हार्ड रह जाएंगे। और हमारे बैंगन ऑलरेडी भुने हुए हैं तो हमें परेशानी हो सकती है टमाटर पकाने में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे टमाटर भुन जाएं। तो जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ मसाले। मैं यहाँ पे आपको मसालों में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं एक्स्ट्रा में यहाँ पे हरी मिर्च की चटनी भी यूज़ कर रही हूँ, और आप जानते हैं हरी चटनी बनाना बहुत इजी है, तो मैंने उसे पहले ही बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो मैं आपको बता दूंगी हरी मिर्च की चटनी कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मसाला डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ डाल दिया है मैंने हल्दी। हल्दी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी सी जो है तो ये मेरा चटनी का पानी है जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया, और इसी के अंदर मैंने डाल रखा है धनिया पाउडर और लाल मिर्च, सबको मिक्स कर दिया। अभी मेरे को जो मैंने तो मिक्सी में जो धनिया थी सॉरी चटनी थी उसका पानी डाला है, क्योंकि मुझे मसालों को भुनने के लिए थोड़ा पानी चाहिए था। तो यहाँ में एक चम्मच जो है अभी एक बड़ा चम्मच मैंने जो टीस्पून होता है वो मैंने इसमें डाला है चटनी, और इसे अच्छे से मैं पकने दूंगी। अब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक और इसे पकने दूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं चाहती हूँ मसाले एकदम से पक जाएं और कुछ भी कच्चापन ना रहे। हम इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे और थोड़ा सा इनको ग्रेवी को थोड़ा थिक होने देंगे, और बस इसी तरीके से हमको इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। मुझसे गलती से थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्दी ही चल जाएगा। और बस हम इसको चलाते रहें और सारा पानी हाई फ्लेम पे रहेगा तो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए पानी रिड्यूस हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे अपना भुना हुआ बैंगन, भुना कटा हुआ बैंगन, और इसी में हम जो है इसको डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तकरीबन हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से बैंगन जो है कढ़ाई की तली में लग जाएगा। हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली, इससे क्या होगा कि जो हमारा बैंगन है वो थोड़े पीसेस में कटा हुआ ये अच्छे तरीके से जो है दब जाएगा, पतला हो जाएगा और एकदम से भरते जैसा बिल्कुल लाइट हो जाएगा और हर तरीके से घुल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिए, ये लगेगा नहीं साइड से और नीचे से कहीं से भी नहीं लगेगा। टेस्ट बढ़ जाएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि जो ऑयल है जो तेल है वो हमारे बैंगन से
हटना ना शुरू हो, यानी अलग ना होने लगे। हम इसको पकाते रहेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, तो एटलीस्ट पकाना भी पड़ सकता है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक और बड़ा चम्मच चटनी का डाल देंगे। चटनी अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी चटनी का टेस्ट बैगनों के साथ बहुत ही अच्छा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, हरी चटनी को, बिना चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है हरा जो चटनी होता है, उसमें धनिया होता है, अदरक होता है, लहसुन होता है, हरी मिर्च तो होता ही है, थोड़ा हींग का फ्लेवर भी डाल देते हैं हम लोग, तो चटनी का एक अलग ही स्वाद जो है निकल कर इसमें आता है। तो ये तकरीबन हमारा जो है हरी जो हमारा बैगन भरता है तकरीबन रेडी है। ये देखिए पानी सारा रिड्यूस हो गया है। अभी से एक दो मिनट के लिए हमें और पकाना पड़ेगा और बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमारा भरता रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपका रिव्यू बहुत पसंद आता है, हमें थोड़ी पावर मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। तो ज़रूर हमें बताइएगा अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आपको और किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, और आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा, और हमें कोई आइडिया देना चाहते हैं तो हमें वो भी दे सकती हैं। थैंक यू।